लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये पाकिस्तान आई हुई है कभी, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश का सेलिब्रिटी है वो पाकिस्तान विजिट कर रहा हो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद उमर, आप देख रहे हैं एक जबरदस्त सा चैनल नो व्यू रिएक्शन। तो हाँ भाई, क्या हाल चाल है, ठीक हो, मज़े में हो, फिट हो? और मैं भी फिट हूँ भाई, मैं भी फिट। अपना भी थोड़ा बताना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यार, आपके लिए एक ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आई हुई है, और वीडियो का टाइटल पढ़ने लगा हूँ। वीडियो का टाइटल है रूना लैला, इस तरह का नाम है यार, अगर गलत ले रहा हूँ तो माजरा, तो ठीक है। मेरा बाबू चेल चबीला लाइव ऑन पाकिस्तान टेलीविजन PTV। तो ये एक बांग्लादेशी सिंगर हैं, काफ़ी क्लासिक सिंगर हैं। तो ये क्लासिकल, काफ़ी क्लासिकल नहीं, एक क्लासिकल सिंगर हैं, पाकिस्तान में आई थी। तो देखते हैं कि जो पाकिस्तान का नेशनल टेलीविजन नेटवर्क है उस पे इन्होंने कोई एक जो कॉन्सर्ट टाइप या गाना गाया, तो देखते हैं कि क्या था और कैसे, मतलब आवाज़ इनकी काफ़ी अच्छी है, मैंने इनको सुना हुआ है, तो लेट्स चेक आउट। लेकिन यार, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना। तो वीडियो पर स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1, हियर वी गो। गुलुकार रोना लैला, रोना नॉट रूना। जब मैंने इनको देखा था ना, तो ये काफ़ी हेल्थी होती थी और लेकिन स्टिल यंग लग रही थी। PTV 25, मेरे से PTV की कोई एनिवर्सरी है तो उस पे आई है। गाना मजेदार है, यार पहले देखो लाइटिंग के सिस्टम कैसे होता था, काफी पुरानी वीडियो है। आवाज काफी अच्छी है, पूछेंगी सजना की बत्तियां, कुछ न बताओ सबसे छुपाऊं मैं, घबराऊं रे, हाँ मैं घबराऊं रे, तो मेरा बाबू छल छबीला मैं तो नचूंगी। मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नचूंगी। ओके, वीडियो खत्म हो गई हुई है। तो यार, अगर रूना लैला की बात की जाए तो इनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान,
एक जो म्यूज़िक कंपटीशन स्टार्ट हुआ था जिसका नाम सुख क्षेत्र था, तो उसमें एक ये न्यूट्रल जज थी। तो यार उस शो में ना तीन जज थे, पाकिस्तान की तरफ से आबदा परवीन थी और इंडिया की तरफ से आयशा भोसले थी और जो तीसरी जो न्यूट्रल जज थी के ताकि यार कोई इस तरह का सीन ना हो, तो उसमें इनको बुलाया हुआ था रूना लैला। तो तब ये ना काफ़ी पुराना शो है मेरे हाथ से, 2012-13-14 इस इन सालों में है। तो तब मैंने इनको पहली दफ़ा सुना था और काफ़ी तारीफ करते थे जो पाकिस्तान के सिंगर आबिदा परवीन, लेजेंडरी आबिदा परवीन, क्लासिकल सिंगर है। तो ये भी क्लासिकल सिंगर हैं और आयशा भोसले जो इंडिया की टॉप क्लासिकल सिंगर हैं वो भी इनकी जो गायकी की तारीफ करती थी। और यार इन्होंने मतलब दो तीन वहाँ सॉन्ग्स मैंने जो पर्सनली सुने थे और मुझे ये मतलब एक यार न्यूट्रल जज थी उस शो में, ये क्रिटिसाइज सही करती थी। अगर पाकिस्तान का कोई से सुर में इधर उधर होता था तो ये पाकिस्तान की फेवर नहीं करती थी, इसी तरह इंडिया के सर। लेकिन आज जो कैप्टन थे, पाकिस्तान का कैप्टन था आतिफ असलम और दूसरा जो हमेश रेशमिया इंडिया का, वो जो हमेश रेशमिया ना वो काफ़ी कंप्लेन करता था इससे कि आप न्यूट्रल नहीं हो, लेकिन मेरी नज़र में न्यूट्रल थी। और वो एंड वाला शो वो पाकिस्तान जीता था, पाकिस्तान से नबील शौकत जो अभी काफ़ी अच्छे सिंगर बन चुके हैं, तो यार वो उन्होंने शो जीता था, काफ़ी मज़ेदार था। उसका फाइनल दुबई में हुआ था तो ये भी आई हुई थी, उधर भी मैंने इनको सुना था। तो मज़ेदार यार कंपटीशन रहा था वो, फर्स्ट टाइम मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया कि मैंने उनको वहाँ सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये पाकिस्तान आई हुई है कभी, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश का सेलिब्रिटी है वो पाकिस्तान विजिट कर रहा हो। तो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी और ये मेरे ख्याल से 25वीं पीटीवी की सेलिब्रेशन थी, तो उसमें इनको इनवाइट किया हुआ था और काफ़ी अच्छा सॉन्ग आ रही थी। और तब तक अब तो ये काफ़ी हेल्दी हो गई हुई हैं, लेकिन ये वीडियो में जिस तरह वो एनर्जी दिखा रही हैं तो वो बड़ी अमेजिंग थी, आर्टिस्ट को इस तरह ही होना चाहिए। मज़ेदार है यार वीडियो थी और सॉन्ग काफ़ी मज़ेदार है, और जिस तरह उन्होंने बोला और थोड़ा हल्का फुल्का डांस कर रही थी तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार थी। उम्मीद है यार आपको सॉन्ग अच्छा लगा होगा और वीडियो भी मेरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।